रहे तो मैं दिखा दो मैंने क्या लिया, बहुत सही चीज मिली है। तो यार फाइनली मम्मी और निक्की एकता लोग भी पहुंच गए हैं। दीक्षा कितनी देर का काम है? एक घंटा। बट ये मेरा अकेले का नहीं, ये भी खाएगी इसको। इन क्या है ना, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, हम सरप्राइज देने जा रहे हैं। बहुत लेट हो गए। तो यार हम जा रहे हैं अंदर। अच्छा दी अंदर ही है, ठीक है। तो देखो हर हमारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है फिर से आपके नए ब्लॉग में। तो कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग ना मेरे इस ब्लॉग को देख रहे होंगे, हल्द्वानी टू दिल्ली, दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू राजस्थान। अभी राजस्थान पहुंची नहीं, गाड़ी पे गुड़गांव पे रुकी हुई है। तो आई होप कि आप सब लोग देख रहे हो, इस ब्लॉग को बहुत इन्जॉय कर रहे हो। जो लोग नहीं देख रहे तो प्लीज़ पीछे जाओ पेज पे और देखो सारे के सारे ब्लॉग, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार सीन ये है ना, अब हम सीधे यहाँ से जा रहे हैं पहले अपोलो क्रेडिट, जहाँ दीक्षा की डिलीवरी हुई थी। वहाँ पे युवान की बुआ हैं डॉक्टर साधना शर्मा, उनसे मिलना एक सरप्राइज विजिट देनी है उनको, क्योंकि आज जब युवान का नामकरण हुआ था ना, तो वो और उनके हस्बैंड ना गुड़गांव से एकदम सरप्राइज विजिट करके हल्द्वानी आ गए थे। तो यार वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं, हम अचानक सरप्राइज देंगे और सीधे वहाँ हॉस्पिटल जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस ब्लॉग को कवर कर सकूँ, कि हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग करना शायद अलाउड हो या नहीं भी हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस ब्लॉग में कवर कर सकूँ उस चीज़ उस मोमेंट को। अगर होगा तो आप सब लोग बहुत इन्जॉय करोगे। और उसके बाद ना यार थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई ना, वो फाइनल करनी, क्योंकि ना कल सुबह हमको अर्ली मॉर्निंग निकलना है राजस्थान के लिए, क्योंकि आज शाम को निक्की एकता मम्मी निशांति लोग पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग ना सारा पेंडिंग काम अभी निपटा ले रहे हैं और रात में गाड़ी में सारा सामान पैक कर देंगे ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले, क्योंकि आज जब सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो उसके बाद वहाँ टाइम से पहुँचेंगे, तो दिन में रेस्ट करके शाम को घूमने को मिलेगा, वरना कल दिन वेस्ट हो जाएगा। तो सीन ये है कि अभी फटाफट सामान वान पैक करते हैं और अभी निकलते हैं, जो जो पेंडिंग काम है वो निपटाते हैं और फिर आपसे दोबारा इसी व्लॉग में मिलते हैं। तो यार अभी रूम से निकल गए अपना, सीधे हम जा रहे हैं क्रेडल साधना जी से मिलने। अब बट सीन क्या है ना, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, हम सरप्राइज देने जा रहे हैं उन्हें। बहुत लेट हो गए हैं हम ना सरप्राइज देने जा रहे थे, ऐसा ना हो कि वो हम मिले ना और हमें सरप्राइज मिल जाए। यार तो यार फाइनली ना ये मिरेकल्स पहुंच गए, तो अब जाते हैं दीक्षा मिलते हैं। यार अब पता नहीं दीक्षा दी मिलती नहीं मिलती, यानी देखो क्या होता है। यार साधना दी है, बैठिए अंदर। तो यार हम जा रहे हैं अंदर। अच्छा दी अंदर ही है, ठीक है। तो देखो भाई देखो कितना ज्यादा ना, जैसा कि हमें तो लगा था कि ये शायद हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। हम लगा था एक मिनट के बाद आपकी ओपीडी खत्म हो जाती है, बट लकीली आप हाँ, मिल गई, तो हम इनसे गप्पे मारेंगे, आप मिलेंगे बाद में। तो यार फाइनली साधना जी से मिल लियो, सच में यार इतना मजा आया था भाई, गॉड यार मतलब दिल से इतनी ज्यादा खुशी हो रही है और ये इतना उधम मचा रहा था अंदर भाई। तो सच में मतलब बहुत सच में मतलब दिखा नहीं सकते हैं वो जो है यार वो सच में यार इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनके साथ ना। तो यार अभी ना गुड़गांव के आइरिया मॉल में हम पहुंचे। अच्छा साधना दी के वहाँ ना अच्छी बात पता है क्या हुई, हम जब गए तो ना उनकी ओपीडी जस्ट ओवर हुई थी, तो हमें ना उनके वहाँ बहुत ज्यादा टाइम मिल गया बातें करने का। तो ऑलमोस्ट यार हमने ना 45 मिनट्स खूब गप्पे लगाई हैं और बहुत बढ़िया करके अपनी मेमोरी शेयर करी उनके साथ, तो बहुत मज़ा आया यार वहाँ जाके ना। मतलब यार मतलब पुरानी यादें ना सारी एकदम से ताज़ा हो गई, मम्मी लोग से बात हो गई, तो वो भी हल्द्वानी से निकल गए, तो मुझे लगता है कि 8-9 बजे तक वो भी पहुँच जाएंगे, तो टाइम से सोएंगे यार आज, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो यार अभी ना हमने युवान के ना छोटे छोटे हेयर बैंड लिए हैं, तो बहुत ही स्वीट सा लग रहा है यार। हाँ यार सच में यार भूख तो मुझे बहुत लग रही थी। यार सामने हल्दीराम है, तो यहीं जाते हैं, इधर ही थोड़ा लंच करते हैं। तो यार दीक्षा का ना खाना आ गया है, ये सिर्फ दाल नहीं है, इसमें चावल भी, तो ये मत सोचना आप लोग किसे दाल खाती है, ये सब खा जाएगी। और ये मेरा आ गया, बट ये मेरा अकेले का नहीं, ये भी खाएगी इसको। मैं नहीं खाली, झूठ बोल रहे हैं आप, इतना अकेले खा जाएंगे ये ना, मेरा पता है झूठ है, मैं इतना नहीं खा सकता, अरे गलत ऑर्डर हो गया। अच्छा अच्छी बात क्या है ना, आप इनकी ना ये स्कैन करो QR को और ऑर्डर कर लो, तो आपको काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप सीधे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो यार पेट पूजा हो गई, अब जा रहे हैं स्टोर चेकआउट करने। आपको ना ड्रैगन बॉल जी और ये पोकेमोन ये सब दिख जाएंगे मोबाइल केस हैं, पर आप यहाँ देखो ये जितना भी एनिमे होता है ना ये प्रॉपर, और सबसे बढ़िया देखो आप ये देखो ये कैकेरॉट गोकू हो गया, नीचे एनिमेज हैं ड्रैगन बॉल जी भाई, बहुत सही स्ट्रक्चर्स हैं यार, मतलब अच्छा लग रहा है देख के। और इधर फिर गाड़ियों के आगे डैशबोर्ड पर लगाने वाले हैं, तो
तो काफी कुछ है यार यहाँ पे, पोस्टर्स भी हैं, हैरी पॉटर हो गया, फिर अगेन ड्रैगन बॉल जी, फिर आयरन मैन। यार भी मैक्स कहते ना अंदर लेने के लिए, पर यार मैक्स का ना डिस्प्ले इतना बुरा बना रखा है, जैसे सेल लगती है ना कहीं पे भी, एक टेबल पे सब ज्यादा कपड़े रखे हुए थे उस तरह का सेटअप बनाया था। तो अभी दूसरे में आए हैं जॉर्डो में, देखते हैं यहाँ कैसा है। पर कपड़ों की तो ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग निपट गई है हम सबकी, मेरी, युमान और विंकी की, बस अब ये है कि अब कुछ खास बचा नहीं है, ऑलमोस्ट सब डन है। तो भाई दीक्षा ना वो सामने का आ रही है नेल आर्ट, तो ये बैठ गया, मैं और युवान बैठे हैं यहाँ पे। युवानू ये देखो, मैं और युवानू यहाँ बैठे। दीक्षा कितनी देर का काम है? एक घंटा। तो भाई अब ये नेल आर्ट पूरा होने में ना एक घंटा लगने वाला है, तो अभी एक घंटे तक मैं और युवान अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा बैठेंगे। यार मैंने ना आपको ऊपर एक शॉप दिखाई थी जहाँ पे ना एक्शन फिगर्स मिल रहे थे बचपन से, मतलब मैं निक्की हम सब लोग ना बचपन से ना ड्रैगन बॉल्स के बहुत बड़े फैन रहे, तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिया, बहुत सही चीज़ मिली है। ये मैं आपने फ्रेम में दिखाता हूँ आपको, देखो देखो इसमें ना गोकू दिख रहा है, फिर वेजिटा दिख रहा है, फिर गोकू है, तो आपको देखा दो तीन इमेजेस दिख रही हैं और मार्जिन वाला अपना वेजिटा है। तो सच में यार ये ना मतलब मुझे बहुत सही चीज़ मिल गई, मतलब बहुत टाइम सोच रहा था कि ऐसा कुछ मिल जाए और यहाँ आके मिल गया। मैं तो ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, अगर आप लोग को भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताओ कि कौन कौन ड्रैगन बॉल जी का फैन है। तो यार फाइनली ना मॉल से बाहर निकल गए यार, करते करते इतने देर हो जाती है ना यार, बस अब जा रहे हैं फटाफट, सामान वामान रखना है, कल सुबह जल्दी निकलना, तो अभी से सारा सामान सेट कर देंगे, और मम्मी लोग भी ना एक घंटे में पहुंचने वाले हैं, तो बस उनका वेट है यार। तो यार फाइनली मम्मी और निक्की एक तलों की पहुंच गए, बस यार ये जस्ट पहुंचे और आते हैं ना सीधे युवान के पास चले गए, और हम भी इतना थक गए यार, अब सारा सामान अभी भी ना देखो पैकिंग चल रही है, ये सामान पैक कर दिया है, अब वो युवान का बैग पैक हो रहा है, और अलमारी में बहुत सारा सामान है, मतलब बहुत कुछ है जो पैक करना है, तो ये पैक करके हम निपटा रहे हैं। और अभी रात में ना गाड़ी में सामान डालना है, तो यार अब इसके बाद फिर डिनर का भी सीन है, वो ऑर्डर करते हो खाएंगे। तो यार मुझे लगता है ना इस व्लॉग को मुझे अभी यहीं क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा काम है, अब वो पैकिंग हो जाएगी वो सब मैं करता हूँ। बाकी यार तो आई होप कि आपको व्लॉग आज का बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ इन्जॉय किया होगा, जो सरप्राइज दिन में हमने वहाँ जाके हॉस्पिटल में दीदी को दिया था वो बहुत यार आज दिन बहुत सच में बहुत मज़ा आया। तो आई होप कि आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो यार जितना हो सके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करना, और जितना हो सके चैनल को प्रमोट करना। होती है कल आपसे मुलाकात एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव।